अल्टीग्रेड टीचर्स एंटीजीटी पे से मैथमेटिक्स लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है और उसमें लगभग लगभग कोर्स एंड हो गया था और तीन वीडियोस हम दे चुके हैं, तीनों वीडियोस लोड भी हो चुकी हैं, ठीक है, और उनको प्लेलिस्ट में भी डाल दी गई हैं। परंतु हमको इसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो लग रहा है कि वो करा दिए जाए, या फिर ट्राई करिएगा उन क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं कि आप सॉल्व कर पाएंगे तो अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो उनका सोल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है। जैसे कि है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा बाई इक्वल टू आर साइन थीटा एंड सो करना है सो दैट डेल एक्स अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स। नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लगे हम, ये मन की छूट रहे थे, तो इससे बेटर है इसको भली क्वेश्चन ही दे दिया जाए, डिमांड होगी नहीं कर पाएंगे तो हम सॉल्यूशन इसका दे देंगे, ठीक है, इस वीडियो का सॉल्यूशन डाल देंगे। तो तीन से चार क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का वाई, कुछ कंपटीशनों में देखा गया है, तो इसलिए पहले तो हमने सोचा कि काफ़ी हो गया है, फिर लगा यार ये अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भले ही हम क्वेश्चन दें कैंडिडेट लगाए नहीं लगेगा सोल्यूशन देते थे, ठीक है। इसके ये प्रूफिंग करना है, ये जो ऑप्शन बन के आएंगे इसके कुल क्या होता है। और एक क्वेश्चन है ये हमारा एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई जेड की पावर जेड, ये भी पीजीटी के एग्ज़ाम में रखा हुआ मिला है, एक कांस्टेंट ए इज़ ए कांस्टेंट सो दैट सी इज़ ए कांस्टेंट, सी कोई कांस्टेंट है, सो दैट इफ़ एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की जो क्वांटिटीज आती है वो माइनस एक्स लॉग ई एक्स की पावर माइनस वन, ये प्रूव करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो ये चार तीन क्वेश्चन, तीन से चार क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, वो भी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इनको कर लिया जाए बेटर रहेगा। क्वेश्चन है हमारा यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का थ्री एक्स वाई जेड, सो दैट सो करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस का थ्री अपॉन एक्स प्लस का वाई प्लस जेड का हॉल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें प्रूफिंग करना है एक्स वन अपॉन थ्री अपॉन एक्स प्लस का वाई प्लस जेड का हॉल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये दिया होगा इसके ऑप्शन में, ये यहाँ से चार ऑप्शन बना दिए जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन ये होगा, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है।